तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं रोज की तरह। सब्जेक्ट फिजिक्स है हमारा और क्लास 10th है एनसीईआरटी का, ठीक है ना। और चैप्टर 1 एक्सप्लेनेशन पार्ट 5। पार्ट 5 का अर्थ हुआ कि इस चैप्टर का, यानी कि चैप्टर 1 का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका हमने अभी तक पार्ट 4 तक देख चुके हैं, मतलब पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। पार्ट 4 तक कंप्लीट हो चुका है, तो आप पार्ट 5 आज देखने वाले हैं। और पार्ट 5 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन का अर्थ है कि आप लोगों को पता भी होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R। इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें भी हमने कल की क्लास में पढ़ी, जैसे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट 5 में, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। आजकल आप लोग मोबाइल चलाते हैं, जैसे अभी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं किसी ना किसी मोबाइल में, तो हर मोबाइल में जब आप लोग फोटो खींचते हैं तो उसमें लिखा रहता है इमेज, IMAGE, इमेज लिखा रहता है। तो इमेज मतलब होता है फोटो। तो आइए उसी फोटो के बारे में, मतलब उसी इमेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इमेज होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इसमें क्या क्या होता है, उन सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब तक हम इमेज को नहीं समझेंगे, तब तक हम दर्पण को नहीं समझ पाएंगे, लेंस को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि प्रतिबिंब जो है दर्पण में भी बनता है और प्रतिबिंब लेंस में भी बनता है। तो जो प्रतिबिंब दर्पण में है, वही उसी तरह से प्रतिबिंब का डिफिनेशन हम लोग लेंस में भी देते हैं। तो दोनों में जरूरी है प्रतिबिंब, इसलिए पहले हम प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह मैं यही कहूंगा कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अच्छा लगे जैसा आपका मन में आए तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिए इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, कि मतलब वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को देखने के बाद मतलब आपके अंदर क्या भावना जगी, उस चीज को आप कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिबिंब क्या है और उसके प्रकार के बारे में। क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबिंब जिसको अंग्रेजी में हम लोग बताया इमेज, किसे कहते हैं, इसके प्रकार का वर्णन करें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैंने 1 लिख दिया है, सॉरी मिस्टेक से वो टाइपिंग हो गया। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किया जा चुका है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये 13 है, इसको 13 नंबर डाल लीजिएगा। और देखिए अगर वीडियो जो पीछे वाला आप लोग नहीं देखें, इस वीडियो को डायरेक्टली पहली बार देख रहे हैं, तो इसका जो पीछे जितना भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के उसको लाइन बाय लाइन शुरू से देख सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से अगर कोई भी चैप्टर आप देखते हैं तो वो अच्छे से समझ में आता है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसके प्रकार का वर्णन करें। उत्तर है हमारा, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कहने का सेंस है, एक एक वर्ड को समझिएगा, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, क्योंकि प्रकाश की किरणें कितनी है वो तो गिना नहीं जा सकता है, फिर भी मान लिया जाता है कि दो या दो से अधिक कितने भी किरणें हों, अगर वो चलती हैं किसी वस्तु से और वो चलकर दर्पण से टकराती हैं, किससे टकराती हैं, दर्पण से। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराती है, तो मैंने वहां पे एक बात बताया कि जिस परावर्तक सतह से टकराती है वो परावर्तक सतह कौन सा होता है, तो वो दर्पण होता है। मैंने समतल दर्पण के बारे में जिक्र किया था और वहां पर मैंने एक बात बताई थी कि आगे क्लास में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो घबराना नहीं कि दर्पण क्या, बस इतना ही समझिए, हमारे घरों में जो आईना लगा होता है, जो शीशा लगाता है, वही दर्पण है। तो दर्पण के परावर्तन के बाद, क्योंकि दर्पण पे जब भी किरण पड़ेगी तो आपको पता है कि वहां से क्या होता है, परावर्तन होता है। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, जिस बिंदु पर जाकर वो मिल जाए या मिलती हुई प्रतीत होती है, इस शब्द को थोड़ा समझिएगा, बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। एक होता है कि कन्फर्म है कि एकदम मिल रहा है,
और एक है कि प्रतीत हो रहा है। प्रतीत मतलब होता है कि लगभग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक कल्पना के आधार पर बताया जा रहा है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अभी भी आप लोग इसको क्लियर नहीं समझ पाए होंगे, तो अभी क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलिए अपने लैंग्वेज थोड़ा समझते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। जैसे देखिए, ये एक व्यक्ति का हाथ है, ठीक है, और इसने क्या किया है कि एक शीशे पे अपना उंगली रखा हुआ है, या लग रहा है कि कोई पानी का सतह है इस पे रखा है, और इसका देखिए इसका फिगर इस साइड में बन रहा है, यानी इस हाथ का सेम उसी तरह चित्र इधर बन रहा है। तो इस हाथ का ये जो चित्र है इसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब सिंपल भाषा में फोटो, प्रति मतलब होता है रूप, बिंब मतलब होता है वस्तु, यानी वस्तु के रूप को ही हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे आप घड़ी देख रहे हैं और इसी घड़ी का फिगर इस पानी में बन रहा है, देख लीजिए। तो इस घड़ी का जो प्रतिबिंब है ये है, ठीक है। यहाँ पे एक आपको महिला दिख रही है, इस महिला का चित्र देखिए इस आईने में बन रहा है, तो ये इसका प्रतिबिंब है, इस महिला का ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब मतलब सिंपल भाषा में समझ लिए होंगे कि हमारा जो फोटो होता है, हमारा जो चित्र होता है, वही प्रतिबिंब होता है। अब हम जानते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखा भी है कि प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रियल इमेज, क्या बोलते हैं, रियल इमेज। और एक होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक भी बोला जाता है, आभासी भी बोला जाता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज या इमेजिनरी इमेज, काल्पनिक, ठीक है ना। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखिए यहीं पे डिफरेंस है, इस प्रतिबिंब के परिभाषा में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है बिंदु पर जाकर मिलती है, तो बिंदु पर जाकर मिलती है इसका अर्थ है कि कन्फर्म है, यानी ये वास्तविक है। और एक है मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब कल्पना किया जा रहा है, तो ये क्या है, तो ये है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब आइए थोड़ा सा इसको फिगर के माध्यम से और परिभाषा के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, इसका परिभाषा है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कि किसी बिंदु से, यानी किसी वस्तु बिंदु से चल रही है प्रकाश की किरण, और वो परावर्तन या अपवर्तन, अब यहाँ पे एक शब्द है अपवर्तन, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि दूसरे चैप्टर में हम लोग अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम केवल परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बस ज़्यादा दिमाग इस पर नहीं देना है, बस परावर्तन। तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, मतलब जहाँ पे एकदम पूरा पूरा मिल रहा है, कहीं बीच में कटा फटा ना हो, तो उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक दर्पण है, ये क्या है, एक दर्पण है। अब कौन सा दर्पण है मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन अभी इतना ही समझिए, एक दर्पण है, ऐसे प्रकाश की किरण ये आ रही है और आने के बाद यहाँ पे टकराई, फिर टकराने के बाद परावर्तन होगा। आपको पता है कि जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो परावर्तक सतह से टकरा कर पुनः उसी दिशा में देखिए ऐसे लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे आई, फिर ये किरण चली, यहाँ टकराई, टकराने के बाद ये भी यहीं पर आकर मिल रही है, नीचे से एक प्रकाश की किरण ऐसे चलती है और फिर ये भी आकर यहीं पर टकराती है, फिर ये भी प्रकाश की किरण चलती है यहीं पर आकर टकराती है, सब का सब एक ही बिंदु पर आकर टकरा है। तो जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, लिखा है कि जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे आई बन गया, आई मतलब इमेज, इमेज बन गया, और वो इमेज जो बना वो वास्तविक प्रतिबिंब बना, रियल इमेज बना। तो समझ गए होंगे कि जब वास्तविक रूप से मिलती है तो उसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अब चलिए समझते हैं इसके काल्पनिक प्रतिबिंब को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब जिसको कहते हैं इमेजिनरी इमेज। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, केवल देखिए यहीं पे चेंज हो रहा है परिभाषा, निकलती हुई प्रतीत होती है और वहां पे था वास्तव में मिलती है, तो निकलती हुई प्रतीत होती है और वास्तव में मिलती है, ठीक है ना। तो इस बिंदु को उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं और यह काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। जैसे कि देखिए ये एक दर्पण है, ठीक है, ऐसे प्रकाश की किरण इससे आई, टकराई, टकराने के बाद उसी दिशा में लौट गई, लेकिन डॉट डॉट से पीछे जाके ये मिल रही है, डॉट डॉट से पीछे जाके यहाँ पे मिल रही है एफ पर, फिर ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, टकराई, टकराने के बाद लौट गई, और फिर सीधे डॉट डॉट से पीछे इस बिंदु को मिल रही है, फिर ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, वही प्रक्रिया चारों में होगी, ठीक है ना, और डॉट डॉट से सब यही पे मिल रहा है। तो डॉट डॉट यानी कि कल्पना है, रियल में ऐसा होता नहीं है, कल्पना है कि ऐसे मिल रही होगी। तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनेगा ना उसको हम लोग कहते हैं
इमेजिनरी इमेज, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, देखिए सिंपल सा इसका पहचान है, तो अगर कोई फिगर में आपको डॉट डॉट दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि वो काल्पनिक प्रतिबिंब है, एकदम वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, डॉट डॉट कहीं भी दिख गया तो, और डॉट डॉट नहीं है, डायरेक्टली पूरा पूरा लाइन बना हुआ है, तो आप सीधे समझ जाइए कि वास्तविक प्रतिबिंब है। यही दोनों का पहचान है, यही दोनों का अंतर है। अब आइए प्रतिबिंब से संबंधित कुछ एक नंबर के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद से इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है नोट, पहला नोट है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। पर्दा समझते हैं, फिल्म जो चलता है ना, जिस पर्दे जिस पर चलता है उसको पर्दा बोलते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी पर्दे पर जो चलता है फिल्म वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं होता है। दूसरा है अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि अवतल दर्पण में भी और उत्तल लेंस में भी दोनों में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल लेंस है। अब अवतल दर्पण क्या है, उत्तल लेंस क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हमें मिलेगा। फिर है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से उल्टा होता है, यानी अगर किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो याद रखिएगा वो उल्टा ही होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है। हमारी आंखों में भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है लेकिन वो उल्टा होता है, उल्टा पिक्चर बनता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में उससे सीधा देखने की क्षमता होती है लेकिन बनता उल्टा है, क्योंकि हमारी आंखों में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, यहाँ पे लिखे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। फिर आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है, यानी अगर आभासी प्रतिबिंब होगा तो वो सीधा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा और आभासी होगा तो सीधा बनेगा। समतल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कभी भी काल्पनिक ही बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, नोट्स तैयार करते चलिए, मैं बार बार बोलता हूँ, और फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 6 में, तब तक के लिए नमस्कार। और बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये अच्छा वीडियो लगा हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो फिर मैं एक बार कहूँगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।